प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं नरेशन, जो प्रोनाउंस होते हैं। जनरली हमें कंफ्यूज करके रखते हैं कि यहां पे ही आ गया तो आई आ गया तो शी आ गया, किस तरीके से चेंज करना है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस, और बिल्कुल देसी तरीका बताऊं आपको। बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम बताएंगे बिल्कुल देशी शुद्ध हिंदी में बताएंगे, और आप देखेंगे कि ये सब जगह एप्लीकेबल हो रहा है। ये जो रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में कि भाई आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल भी मतलब जैसे हिंदी में चेंज होते हैं वैसे ये इंग्लिश में चेंज हो जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आपने यदि नरेशन समझना ही है तो गो एंड वॉच वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2। वहां पे देखिए P3 कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है। कौन सा कंसेप्ट? P3, प्रेम प्रजापति फाड़ू। नहीं, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है, और पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो वहां पे टेंसेस को कैसे चेंज करना है मैंने वो नियम बताया हुआ है, और बिल्कुल ही देशी तरीका है, बिल्कुल ही साधारण सा तरीका है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ वास्तव में काफी आसान तरीका है। नाउ आज हम करने वाले हैं जो प्रोनाउंस वाले जो रूल है वो कैसे चेंज होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जानना है प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन, प्रो मतलब जो नाउन, बार बार आप ये कहेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम वन को जाता है, राम यहां जाता है, राम, तो आदमी बोर हो जाएगा। तो राम को रिप्लेस करके वह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाउन की जगह ले ले उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन के अलग अलग केसेस हैं। सब्जेक्टिव, जब प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में हमें इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर रिप्लेसिंग द नेम राम, इस राम को रिप्लेस कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं ही का, ठीक है ना। बार बार राम की रेपिटेशन ना हो, वी आर यूजिंग ही। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेशन पजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। ज्यादा आपको प्रोनाउन नहीं बताऊंगा मैं, बस बेसिक बताऊंगा सो डेट कि आपको आइडिया हो एक्चुअली हम करने वाले क्या हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? कहने वाला, आई एम द स्पीकर, आई एम द फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? आप, जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं इतने प्रेम से, प्रेम की वीडियो को प्रेम से देख रहे हैं, यू आर द सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन कौन है? वह कौन? जाके अपने दोस्त को बताना है कि प्रेम सर ने ऐसे बताया, और बिल्कुल धाकड़ तरीका बताया, बिल्कुल आसान तरीका। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं दे आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, जो उस समय प्रेजेंट नहीं होते, वो कौन से पर्सन कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। इतनी बात आपको समझ में आ गई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। तो इनको चेंज करने का क्या नियम होता है? सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है, जैसे आई हो गया, अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है? मी बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब उस पर हम अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस यूज करेंगे आई लेट यू नो कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये क्या दिख रहा है? एस ओ एन, सन मैंने, क्या होता है सन? मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन? सन मीन्स बेटा, ये तो सभी जानते हो। और एक जो सन होता है उसका मतलब क्या होता है? सूरज। लेकिन उसमें आता है यू और इसमें आता है ओ। तो यहाँ पे ओ क्यों इस्तेमाल किया गया, ध्यान से समझिए। एस फॉर सब्जेक्ट, साफ साफ लिखा हुआ है मैंने, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन जो भी होंगे ये सारे, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं, नहीं चेंज होगा ये। अब मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाता हूं। देखिए हम बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि प्रोनाउन जो आते हैं सेंटेंसेस में वो चेंज कैसे हो जाते हैं अपने आप ही, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ही सेड है, तो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया हुआ है कि एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये वाले, ये टोटली डिपेंड करता है किस पे? रिपोर्टिंग स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच डिपेंड्स ऑन रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये देखिए ही सेड, अब यहां पे हमें चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, इसके प्रोनाउन चेंज करना है। तो आई लव माय पेरेंट्स, अब ये आई क्या है? आप बताएं कौन सा पर्सन है? आई मीन्स मैं, आई एम द स्पीकर, मैं से स्टार्ट करूंगा, द फर्स्ट पर्सन होगा। अब फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
अब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये, तो आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आई की जगह ये देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई अगर आप चेंज कर रहे हैं, आई चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ये जब चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आई की जगह क्या आता है, ही आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। तो ही सेड दैट, ये लिख लीजिए इसको, ही साथ साथ में लिखते रहेंगे, ही सेड दैट ही लव हिज पेरेंट्स। अब ये देखिए बिल्कुल देसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, मैंने जैसे कि बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ने कहा आपके सामने, कहा क्या कह रहा है वो, ही सेड आई लव माय पेरेंट्स। जब दूर जाके हम बोलेंगे उसी की बात को, जब हम अपने वाक्य में बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई वो कह रहा था कि वह अपने पिता को प्यार करता है, वह अपने माता पिता को प्यार करता है। उसने वहां पे तो क्या बोला था, आई बोला था। नाउ वी आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू आर स्पीच, हम अपने डायलॉग्स खुद ही बता रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसने कहा कि वह अपने पिता को, माता पिता को प्यार करता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही सेड, वह ही सेड दैट ही लव का क्या चेंज होता है, ही लव्ड, my का his, he said that he love my will change according to this। अब ये देखिए my जहां पे भी है my will change, ये he के according जब change होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, his possession है ना, पिता किसका पिता, उसका पिता, तो ये क्या हो गया, possessive adjective। तो यहाँ पे my will change according to this, he के according, देखे I change हुआ my में, और he किस में change हो गया, his में, तो ये change हुआ, He said that he loved his parents. He loved his parents. इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा बना लेते हैं। They said we respect our teachers. अब ये देखिए, ये teachers है भाई। They said we respect our teachers. जैसे कोई आपके सामने कह रहा है कि हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप थर्ड पर्सन के सामने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि भाई वो कह रहे थे कि वो क्या हो गया, वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, They said that, ये inverted commas किस में चेंज होता है, that में, they said that, और we है, we will again change to the subject, तो ये क्या हो जाएगा, they said that they respected, present tense है ना, will change into past tense, they respected, R का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, R क्या है, हमारे teacher, possessive, प्रोनाउन है ये, एडजेक्टिव है, तो आर किस में चेंज हो जाएगा, देयर, दे किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, देयर, तो यहां पे दे क्या लेगा, देयर, दे सेड दैट दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आ जाइए, ये सारा क्या था, दिस ऑल वर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट देखो कैसे चेंज होगा, ही सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। अब ये देखे, he said to me you are a good student, थर्ड पर्सन के सामने जाके बोलेंगे भाई वो मुझे ऐसे कह रहा था ना कि मैं एक अच्छा लड़का, उस समय तो वो यू संबोधित करके बोला, और जब मैं दूर जाके किसी को बता रहा हूं कि इस तरीके से बात हुई थी तो हम क्या कहेंगे कि वह कह रहा था कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो मैं को क्या बोलोगे, आई बोलोगे, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है, इसमें रूल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। He upset to me होता है तो यह आता है he told me said to किस में चेंज हो जाएगा, said to will change into told, he told me that you क्या है, second person and this will change according to object अब of the reporting speech, जो reporting speech है इसका object क्या है, me है। अब you me किस में चेंज होगा, अब ये देखिए ही सेड ही टोल्ड मी दैट यू, अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी, अब ये मी है ना, मी, अब देखो यहां पे कहां है मी, तो मी को सब्जेक्टिव बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, आई, ही टोल्ड मी दैट आई, आर किस में चेंज होगा, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। देखो बच्चे ध्यान से लिखते रहिए, जब लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, चल रही है वीडियो। Coach said to us, you are good players. यहाँ plural है, तो आप क्या लिखेंगे? Coach told us. देखो, simple सी पहले इसको अपनी भाषा में देखो. Coach, आपके coach ने आपके सामने क्या? Coach said to us, you are a good player. तो हम दूर जाके क्या कहेंगे कि भाई coach कह रहे थे कि हम सब अच्छे player हैं, हम सब. तो you कब किस में चेंज हो गया? हम में. तो you
विल चेंज, सेकंड पर्सन है ना ये, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो अस किसमें चेंज हो जाएगा, वी में। अस किसमें चेंज हो जाएगा, वी में। जरा देखो तो अस कहां है, अस विल चेंज अकॉर्डिंग टू वी, सब्जेक्ट बनाना ना। तो कोच टोल्ड अस दैट, दैट तो लिखा नहीं, दैट वी आर किसमें चेंज हो जाएगा, वर, वी वर गुड प्लेयर्स, वी वर गुड प्लेयर्स। बहुत आसान है बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दे सेड दे लव देयर पेरेंट्स, ये सारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। अब आ जाएगा आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जरा देखिए किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। दे सेड दे लव देयर पेरेंट्स, दे सेड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, दे, दे इज द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंज, नो चेंज इन द थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि आप सामने कोई कह रहा है, उन्होंने कहा कि वे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, तो मैं थर्ड पर्सन के सामने भी अगर जाके कहूंगा तो यही कहूंगा कि भाई वो कह रहे थे कि वे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, उस समय भी वे था, अभी भी वे है। तो ये आ जाएगा दे सेड दैट, दे सेड दैट दे लव्ड देयर पेरेंट्स। ये तो भाई रूल जो P3 कंसेप्ट है ना बाबू, P3 कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होगा चेंज पास्ट में, एंड पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो लव है, लव प्रेजेंट टेंस है, इट विल चेंज इनटू पास्ट। दे सेड दैट दे लव्ड देयर पेरेंट्स, यही रहेगा, दे है ना भाई, तो यहां पे देयर पेरेंट्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। शी सेड दैट, शी सेड दैट शी लव्स मैथ, उसने कहा कि वह मैथ्स को प्यार करती है, वो मतलब मैथ से प्रेम करती है, मैथ से प्रेम का मतलब मैथ अच्छा लगता है। तो क्या बोलेंगे कि वह कह रही थी कि उसको वह उसको मैथ्स अच्छा लगता है, तो वही बात होगी ना, शी सेड दैट शी लव्ड, लव्ड लव्स का क्या हो जाएगा, लव्ड मैथमेटिक्स। आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है यार, इसको देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक वीडियो में डाल दूंगा जिसमें प्रैक्टिस सेशन दिया होगा कि भाई रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है, नरेशन है, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन द चेंजेस ऑफ द प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो नंबर 4 लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो हैं, कुछ एक रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, दे नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं, तो विल डिस्कस इन वीडियो नंबर 4। टिल देन इसको समझिए, बहुत आसान है, उम्मीद है बिल्कुल आसान है, इंग्लिश में दिया हुआ है उसकी हिंदी बना लीजिए, समझ लीजिए, और आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि वह बोलना है कि ही बोलना है कि शी बोलना है, यू बोलना है कि दे बोलना है या देम। तो प्यारे बच्चे समझते रहिए, ये प्रेम का ज्ञान है, समझेंगे तभी समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए, नमस्कार।